मधुबनी जिले की बेनीपट्टी विधानसभा सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बाइक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवक लोग जुटे हुए थे। सभी अपने अपने बाइक पर सवार होकर इस निर्दलीय उम्मीदवार का जय जयकार कर रहे थे। आपको बता दें कि ऐसे में चुनाव आयोग सहित स्थानीय प्रशासन के लोग आंखें बंद किए हुए हैं, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में और उसमें भी बीच सड़क पर बाइक रैली निकालकर आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय से लेकर बसैर चौक तक एक निर्दलीय उम्मीदवार ललित राज यादव ने बाइक रैली निकालकर अपने आप की शक्ति प्रदर्शन को दिखाया। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन पर सवाल खड़े करना लाजमी है। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार ललित राज यादव मीडिया से बातचीत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित हो रहे हैं। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। बाइक रैली का उद्देश्य यह है कि जनता को ये दिखाना है कि हमें भी पावर है। मैं अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया जो जनता देख सकती है कि नहीं, हमारे साथ भी कार्य करता है और ईमानदार कार्य करता है। किसी को मैंने पैसा भी नहीं लाया था, सब अपने ये से इच्छा से आए थे और 4 घंटा का बाइक रैली थी, जिसमें काफ़ी धूप भी था और मेहनत करके वो हमारे कार्यकर्ता एकदम गंतव्य स्थान तक पहुँचे। मैंने क्या लग रहा है कि पैसे पे ही अब जो और रैली जो हो रही है, और रैली तो बताता है 400 रुपया 500 रुपया पर आदमी को दिया जाता है, वो लोग क्यों जाएगा, वो लोग क्यों जाएगा जो 5 साल जो आदमी अपने ज़मीन पे नहीं है, कहीं दिखता नहीं है, उसके लिए क्यों जाएगा लोग बाइक रैली में। मुझे तो मैं तो दिखा लोग जो जो कार्यकर्ता थे हमारे साथ वो चलने के लिए तैयार, कहीं को तो मैं बुला भी नहीं पाया, उसके लिए सुनना पड़ता है मुझे फोन पे आप मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो ऐसे हमारे ईमानदार कार्यकर्ता सब है हमारे साथ।